बताओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां दे, बुराइयां से बचाए, हर आफत मुसीबत से अपने ज़मान में रखे। तो चले फिर आज का दिन जो है ना, एक और दिन का आगाज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा आज लेट व्लॉग रहा है, क्योंकि ना थोड़ी सी बस मसरूफियत की वजह से ना, जब मुझे टाइम मिला, चले मैंने कहा जब ही डाल देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ना ये बच्चे जो थे ना, वो फ्रूट चाट वगैरह का कह रहे थे कि बच्चे ना ज़रा शौक से खा लेते हैं, और जो है ना तो वहाँ पे ये बनाने लग गए थे। हानी कहने लगी मैं बनाऊँगी, सॉरी नवैरा कहने लगी कि मैं बनाऊँगी साथ। तो नवैरा मेरे साथ लग गई थी, और ये देखें, ये फारूक दिखा रहे हैं, ये ना लाल कलर के ना रेड कलर के मैंगो लेकर आए, और ना इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हैं, और इनका जायका भी बहुत अच्छा, मज़े का बहुत ना जायका इनका। अच्छा, खैर घर पर जो जो फल था मैंने वो सारे फल डाल दिए थे, अंगूर, आड़ू, और सेब था, और नाशपतियाँ थीं, केले थे काफ़ी सारे, केले और ना अंगूर और आम ना बच्चे ज़रा ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डाले थे, और ना नाशपाती वगैरह और ये अमरूद वगैरह ना ये लोग इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो वो ज़रा मैंने कम ही डाली थी, बिल्कुल बारीक कर दिया था उसको। और ना नवैरा ना बड़े शौक से ना फ्रूट चाट बनाने खड़ी होती है, और ना अपनी तरफ से हेल्प करवा रही होती है, तो खैर यहाँ पर ये फ्रूट चाट वगैरह बन गई। अच्छा, ये ना रात का टाइम था, 1:30 बजे के करीब का ये टाइम था, इनको जब भूख लगी ना बच्चों को, जब मैंने बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये कड़ी पत्ता फारूक काफ़ी सारा ले आए थे, 3-4 कड़ियाँ ले आए थे, कहते मिल रहा था अच्छा, तो ये लेकर आ गए थे। अच्छा, मैंने इसका क्या किया था, इसको ना एयर ड्राई ना मैंने इसको जो ना ड्राई कर लिया था, हवा में इसको ड्राई कर लिया था उसमें टोकरी में रख के, और ये देखें कितना अच्छा सा ड्राई हो गया, और अब ये ना काफ़ी दिन जो है ना ये निकल जाएगा, दिन तो क्या काफ़ी महीने निकल जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर ये ना मैंने एक हैक देखा था, और जो ना इस हैक में ये था कि आप दूध के अंदर ना ये मिर्ची डालें तो आपका ना घर का जो है ना दही बन जाता है, तो ये बिल्कुल मत ट्राई करिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ये नहीं बना था। तो फिर जो है ना, खैर मैंने जो था ना इसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था, दोबारा से ना मैंने इसको हल्का सा गर्म करके, और फिर जैसे ना दही का जाग लगाते हैं मैंने वैसे बना दिया, तो इसलिए ना आप लोग मत ट्राई करिएगा, ये हैक वैक ना सब बेकार होते हैं। अच्छा, खैर जो है ना यहाँ पर मैं जो थी ना मटन का ना मैं कोरमा बनाने लगी थी आज, तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब ना मटन ले लिया था, और ना उसके अंदर नमक, हल्दी, मिर्च और जो है ना धनिया, सूखा धनिया जो होता है वो डाल दिया था, और जो है ना इसके अंदर इलायची और ना लौंग डाल दी थी, ग्रीन वाली इलायची मैंने डाली थी, हरी इलायची डाली थी और लौंग डाली थी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे दही जो था ना ये 1/2 किलो से ज़्यादा था दही, तो ये मैंने ले लिया था। उसके बाद ना इसके अंदर ही मैंने ऑयल डाल दिया था। अच्छा, मैंने पानी जो था ना 2 कप के जितना पानी डाला था। अगर जो है ना आप लोगों को लगे कि इसी दही के अंदर ना आप लोगों का गोश्त गल जाएगा, तो आप बेशक पानी मत डालिएगा। अच्छा, एक और मैं टिप देती हूँ कि ये ना दही के अंदर ही आप तेल और सारे मसाले इसी के अंदर डाल दें, ये जो मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे, बेशक आप इसी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं, तो जो है ना ये इतने आसान तरीके से बना था। आप बेशक ना इसको ऐसे मैरिनेट करके भी बना सकते हैं, और ये ना बड़े आसान तरीके से बना था, इतना लजीज बना था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, फिर मैंने इसको क्या किया था, इन सारी चीज़ों को मिक्स आउट करके मैंने इसको रख दिया था, और इसके बाद ना लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था मैंने। अच्छा, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ना थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, 3-4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाला था,
आप लोग देख लीजिए, जो है थोड़ा डालना चाहे थोड़ा डाल लें। अच्छा, कोरमा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी जो है ना ज़रा ज़्यादा जाएगा, तो मैंने ना थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा डाला था। मैंने ना यहाँ पे हाफ़ कप से ज़्यादा ना इसके अंदर ऑयल डाला था, और धनिया 2 चम्मच के करीब डाला था, सूखा धनिया। मिर्च मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाली थी पिसी हुई, और नमक जो था मैंने पहले ना मैंने हाफ़ स्पून डाल दिया था, और फिर बाद में थोड़ा सा और मैंने डाल दिया था। उसके बाद जो है ना हल्दी जो थी वो भी मैंने हाफ़ स्पून के जितनी डाल दी थी। अच्छा, उसके बाद ना दही जो था वो जो है 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, किलो से कम था मतलब ना। अच्छा, उसके बाद लहसुन अदरक 3 से 4 चम्मच डाले थे, और उसके बाद जो प्याज थी ना ब्राउन प्याज, उसको मैंने क्या किया था अलग से मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, आपका दिल करे पहले उसके अंदर ना हम क्या कहते हैं तेल में ना प्याज को ब्राउन कर लीजिएगा, और उसके बाद ये सारी उसी तेल के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के कर लिएगा। मैंने बस जल्दी के चक्कर में ना, तो मैंने क्या किया था दूसरी साइड पर ना मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। 5-6 प्याज ली थी मैंने, थोड़ी मेरी ना छोटी थी इसलिए मैंने ना 5-6 प्याज ले ली थी। उसके बाद ना उसको फ्राई करके, और उसके बाद ना उनको पीस लिया था मैंने। मैं ना पीस के डालती हूँ तो मुझे ना ज़रा सही लगता है, आपका दिल करे ऐसे ही क्रश करके डाल लीजिएगा बेशक। अच्छा, उसके बाद ना मैंने इसके अंदर इसको डाल के इसको अच्छा सा भून लिया था, और बस ये जो है ना तैयार हो गया था कोरमा। अच्छा, उसके बाद ना लहसुन अदरक था, तो जो है ना मैंने कहा ये भी पीस के रख लें, ये भी एक बड़ा काम होता है। तो जो है ना यहाँ पे मैंने सारा लहसुन अदरक जो था वो पीस के, और जो है ना छील के पीस के सब करके ये बड़ा डब्बा बना के रख लिया था। उसके बाद रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, और यहाँ पे अदरक और ये मिर्ची वगैरह इसके बीच में डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था इसके अंदर पिसा हुआ, और बस ये तैयार हो गया था, और घर की रोटी वगैरह बन गई थी। और इतना मज़े का ये बना था, बिल्कुल ये ना ऐसा लग रहा था जैसे वो जो ना शादियों वाला होता है ना कोरमा, ये बिल्कुल वैसा बना था। ये अब आप लोग बनाएंगे खाएंगे तो ही ना आप लोगों को यकीन आएगा। खैर, शक्ल से भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा होगा। अच्छा, खैर तारीफ़ में अपनी कम करते हैं, और ना आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ना यहाँ पर ना बारिश हो रही थी, और इतनी तूफ़ानी थंडर स्टॉर्म का कहा गया था कराची में ना, तो यहाँ पे इतनी बेतहाशा बारिश हुई थी, पूरी रात होती रही, दूसरे दिन सुबह तक हमारे यहाँ माशाल्लाह ना बारिश होती रही है। तो बस अल्लाह ना सब जगह ना सुकून रखे, अमन रखे। तो वो सब ना बहुत नहाए थे बारिश में, फारूक मेरे भी पीछे पड़ गए, तो ज़बरदस्ती ना मैंने भी फिर नहा ही लिया, वरना पता मैं कपड़े वपड़े सारे चेंज वेंज करके हटी थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था नहाने का, लेकिन बस फिर नहा लिया हमने भी चले। खैर, यहाँ पर जो है ना दूसरे दिन का सुबह का ही है, तो यहाँ पे हम नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और जो है ना पराठा वगैरह था, रात का सालन था, और अंडा ब्रेड वगैरह था, और ये चीज़ें थी बस हमने वो कर लिया था। और जो है ना मैं जैम और ये क्रीम वगैरह या बटर वगैरह जो भी चीज़ होती है लगा लेती हूँ, खा लेती हूँ ये। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे बच्चों को ना भूख लग रही थी, तो कहते मम्मा फ्रेंच फ्राइज बना दें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था, बस आलूओं के अंदर ना नमक और ना मैदा या आटा वगैरह जो भी चीज़ों में मैं इसमें डाल देती हूँ, और जो है ना ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, इस तरह से बड़े अच्छे जो है ना बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बच्चों को ये दे दिया था, और बच्चे ना कोई चीज़ शौक से खाएं ना खाएं, फ्रेंच फ्राइज़ तो ये लोग ना बड़े शौक से खाते हैं, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो ना बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। जो बच्चे वाले हैं वो ना मेरी इस बात से जो है ना बिल्कुल एग्री करेंगे कि बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें आप खिला दें, इतनी ऑयली और इस तरह की ना। खैर, बाज़ार की चीज़ बाज़ार के ना आइटम से तो चलें, घर का होता है, साफ़ सुथरा होता है, अपने हाथ से बना हुआ होता है, बच्चों को भी हमें भी पता होता है कि हम जो ना बच्चे को क्या चीज़ दे रहे हैं, साफ़ सुथरी चीज़ दे रहे हैं। अच्छा, खैर बच्चों ने ना यहाँ पर जो है ना केचप वगैरह अपनी मर्ज़ी से डाल लेते हैं, मायनीज़ वगैरह ना ये लोग इतने शौक से ना इसके ऊपर नहीं खाते हैं फ्राइज़ के ऊपर, तो केचप वगैरह और जो ना वैसे इनसे मिर्ची खाई नहीं जाती, स्पेशली नुवैरा मैडम से ना ऐसे मिर्ची नहीं खाई जाएगी, लेकिन जो है ना फ्राइज़ के ऊपर ना चाट मसाला डाल डाल के खाएंगी, और बाज़ार की जितनी भी चीज़ें होती है ना उसमें जो है ना इनको, बेशक वो पापड़ हो, बेशक वो मतलब कोई भी चीज़ हो, उसमें मिर्ची होगी तो ये बड़े शौक से खा लेंगी, इवन के पिज़्ज़ा में भी अगर मिर्ची होगी तो वो खा लेंगी, लेकिन जो है ना घर पे अगर सालन में ज़रा सी भी मिर्ची होगी तो वो इनसे नहीं खाई जाएगी। अच्छा, खैर यहाँ पर जो है ना ये अपनी मर्ज़ी से डाल डाल के बच्चे खा रहे थे, सारे बच्चों को मैंने दे दिया था, तीनों को, और इन लोगों ने बड़े सुकून से बैठ के ना खा लिया था, कुछ आसरा ये कि हो गया था बच्चों को, फिर उसके बाद जो ना खाना वाना मैंने बच्चों को दे दिया था। अच्छा, आइस लॉलियाँ जो है ना इन लोगों के पापा ले आते हैं, आजकल गर्मी है ना तो इसकी वजह से ना वो संडे वाले दिन आइस लॉली ले आते हैं, और पूरा दिन जो है ना बच्चे
मतलब आइस लॉली खाते रहते हैं और जो है ना फिर रात को खांसते रहते हैं। और ये आप हानि का काम चेक करें, इनको कैचअप इतना पसंद है कि वो हाथ से भर भर के ना कैचअप ही खाना शुरू हो जाती हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दें, कहते हैं हमें कैचअप ही खिला दें। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहर में कहाँ कहाँ बारिश हुई है और कहाँ नहीं हुई है। चलें फिर इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।